हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे ट्रांसपोज और एडजॉइंट ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यू नोटेशन। कुछ यहाँ पर हम लोग नए नोटेशन का यूज करेंगे। क्या है नया नोटेशन जरा समझिएगा। इफ टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए वेक्टर स्पेस यू एफ। मान लेते हैं कि टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू एफ वेक्टर स्पेस में। इसका मतलब जैसे यहाँ पर समझिए, मान लीजिए U एक वेक्टर स्पेस है और एक दूसरा वेक्टर स्पेस है V, और U से V में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अगर कोई भी एलिमेंट अल्फा लेते हैं तो उसका जो इमेज आता है उसको हम लोग T ऑफ अल्फा से डिनोट करते हैं। लेकिन अब न्यू नोटेशन में हम लोग T ऑफ अल्फा को नहीं लिख करके इसके बदले लिखेंगे T अल्फा। ये न्यू नोटेशन हो गया, ब्रैकेट हटा देंगे। टी ऑफ अल्फा को हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, टी अल्फा लिखेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए वेक्टर स्पेस यू एफ, एंड अल्फा जो है वो यू का मेंबर है। अल्फा जो है वो वेक्टर स्पेस यू का मेंबर है। तो देन इन प्लेस ऑफ राइटिंग टी अल्फा, टी अल्फा के बदले क्या लिखेंगे, वी शैल राइट टी और सिर्फ अल्फा लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, ऐसे सिर्फ लिखेंगे। तो ये बता देगा ये इमेज बताएगा, किसका इमेज बताएगा, अल्फा का। तो दस टी अल्फा विल मीन द इमेज ऑफ अल्फा अंडर टी। ये टी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में अल्फा का ये इमेज बताएगा। अगर टी वन और टी टू दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है सपोज कीजिए, तो देन वी कैन राइट टी वन ऑफ टी टू ऑफ अल्फा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से जो लिखते हैं, दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ये कंपोजिशन हो गया, तो T1 ऑफ T2 ऑफ अल्फा को कैसे लिखेंगे, T1 T2 अल्फा, ये शॉर्ट में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये एक नया नोटेशन हो गया अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहा तब। लेकिन अगर लीनियर फंक्शनल रहा तब क्या नोटेशन यूज करेंगे जरा समझिए। जैसे लीनियर फंक्शनल क्या होता है, लीनियर फंक्शनल वेक्टर स्पेस भी से उसके फील्ड में एक फंक्शन होता है। अगर वेक्टर स्पेस भी एफ में लीनियर फंक्शनल डिफाइन करना है तो भी से एफ में एक फंक्शन होता है एफ। एफ को लीनियर फंक्शनल कहते हैं अगर वो लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। तो जरा समझिए, अगर यहाँ पर एलिमेंट अल्फा लेते हैं तो इसके इमेज को कैसे डिनोट करते हैं, एफ ऑफ अल्फा। एफ अगर लीनियर फंक्शनल है, अल्फा का इमेज को एफ ऑफ अल्फा लिखते हैं, तो एफ ऑफ अल्फा अब नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ अल्फा के बदले लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, अल्फा यहाँ लिखेंगे एफ यहाँ लिखेंगे, इस तरीके से। जरा समझिए, अल्फा जो जिसका इमेज निकालना है वो पहले लिखेंगे और लीनियर फंक्शनल को बाद में लिखेंगे, दोनों का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। तो एलिमेंट को रखना है पहले और लीनियर फंक्शनल को बाद में, ये दोनों को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये बताएगा एफ इमेज ऑफ अल्फा, ये एफ इमेज ऑफ अल्फा बताएगा। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ये लीनियर फंक्शनल है, और ऐसे लिख रहे हैं मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है तो ये इस तरीके से लिखेंगे, और अगर लीनियर फंक्शनल को लिखना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं वही लिखा हूँ, देखिए कि एफ वी ए लीनियर फंक्शनल ऑन वी, अल्फा बिलोंग्स टू वी, देन इन प्लेस ऑफ राइटिंग एफ ऑफ अल्फा वी शैल राइट एफ ऑफ अल्फा की जगह लिखेंगे इस तरीके से। और अगर मान लीजिए ए बी जो है वो फील्ड का मेंबर है, दो स्केलर है, अल्फा बीटा जो है वो वेक्टर है, दो वेक्टर है, वेक्टर स्पेस का मेंबर है, तो देन इन दिस न्यू नोटेशन द लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ एफ, दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या था, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू बीटा। तो न्यू नोटेशन में इस प्रॉपर्टीज को आप कैसे लिखेंगे, वी विल बी रिटन एज, तो न्यू प्रॉपर्टी न्यू नोटेशन में कैसे लिखेंगे जरा समझिए। सबसे पहले हम लोग एलिमेंट को लिखते हैं, तो एलिमेंट है यहाँ ए अल्फा प्लस बी बीटा, कॉमा देते हैं और फिर लीनियर फंक्शनल को लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उस तरीके से लिख दिए। यहाँ पर ए रहने देते हैं, अल्फा को एलिमेंट को पहले लिखेंगे, एफ को बाद में इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, बीटा को पहले लिखेंगे और एफ को बाद में इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, बी स्केलर जो है वो रहने देते हैं। तो अब न्यू नोटेशन में इस लीनियरिटी प्रॉपर्टी को ऐसे लिखेंगे। जरा समझिए एक और चीज़ कि मान लीजिए ए फॉर जी दो लीनियर फंक्शनल है और ए एफ प्लस बी जी ऑफ अल्फा लिखा हुआ है, ऐसा ए बी जो है वो स्केलर है, ए एफ प्लस बी जी अल्फा इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ऑफ एफ ऑफ अल्फा प्लस बी ऑफ जी ऑफ अल्फा।
अगर इसी को हम न्यू नोटेशन में लिखना हो तो न्यू नोटेशन में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले एलिमेंट को लिखते हैं यहाँ पर, अल्फा कॉमा देंगे और जो फंक्शन है उसको लिखते हैं ए एफ। अगर एफ और जी दोनों लीनियर फंक्शनल है तो ए एफ प्लस बी जी भी लीनियर फंक्शनल होता है। तो पहले एलिमेंट लिखेंगे और लीनियर फंक्शनल को बाद में लिखेंगे, ए एफ प्लस बी जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे। यहाँ पर अब क्या करेंगे, ए रहने देते हैं और एफ ऑफ अल्फा को शॉर्ट में लिखेंगे अल्फा एफ, इस तरीके से न्यू नोटेशन में, न्यू नोटेशन में ऐसे लिखेंगे। और बी यहाँ रहने देते हैं, इसको लिखेंगे अल्फा और जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में। तो इस प्रॉपर्टीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये न्यू नोटेशन का यूज करेंगे अब हम लोग आगे कोई भी थ्योरम के लिए या डिफिनेशन के लिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अब हम लोग देखते हैं द एडजॉइंट और द ट्रांसपोज और ड्यूअल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसपोज क्या होता है, या उसी को एडजॉइंट कहते हैं या उसी को ड्यूअल कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले समझिए, हम लोग दो वेक्टर स्पेस ले रहे हैं, एक तो यू ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं वी, दोनों सेम फील्ड एफ में डिफाइंड है। अब यू से वी में डिफाइंड होने वाला कोई भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं टी। अगर यहाँ यू वेक्टर स्पेस का अगर एलिमेंट अल्फा लेते हैं तो उसका इमेज टी ऑफ अल्फा होगा। ओल्ड नोटेशन से इसको ऐसे डिनोट करते हैं, टी ऑफ अल्फा जो है वो ये वी का एलिमेंट हो गया। अब क्या करते हैं, वी का जितना भी लीनियर फंक्शनल डिफाइंड होगा उसका एक कलेक्शन बनाते हैं, जिसको हम लोग वी स्टार से डिनोट करते हैं। वी स्टार जो है वो लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन हो गया, इसको ड्यूअल स्पेस कहते हैं, दिस इज द ड्यूअल स्पेस ऑफ वी। U का लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन डिफाइंड करते हैं, वो जो कलेक्शन होगा वो U स्टार होगा, जितना भी लीनियर फंक्शनल होगा उसका कलेक्शन U स्टार, दिस इज द ड्यूअल स्पेस ऑफ U। अब ये अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V में, तो V स्टार से U स्टार में भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसको T स्टार से डिनोट कर रहे हैं। T के करेस्पॉन्डिंग एक T स्टार मिलेगा, यूनिक मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा वी स्टार से यू स्टार। ये भी तो एक वेक्टर स्पेस है ना, ये भी वेक्टर स्पेस है, तो एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर वी स्टार का कोई भी मेंबर यहाँ पर जी ले लें, जी क्या है, लीनियर फंक्शनल हो गया, क्योंकि वी स्टार का मेंबर है ये, वी का लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। तो इसका इमेज क्या लिखेंगे, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इसका इमेज लिखेंगे टी स्टार ऑफ जी। तो ये जरूर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, और इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको एडजॉइंट कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको ड्यूअल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम लोग, अगर कोई भी यू से वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, तो टी स्टार एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगा वी स्टार से यू स्टार में, और ये यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा। इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को कहेंगे हम लोग ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज तब कहेंगे जब वो डिफाइंड कैसे हो, डिफिनेशन में बताऊंगा अभी कि टी स्टार को कैसे डिफाइंड करेंगे, ट्रांसपोज कहेंगे लेकिन इसको डिफाइंड कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी में, टी स्टार एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भी स्टार से यू स्टार में, ये उल्टा होगा, ये यू से भी में था और ये भी स्टार से यू स्टार में, मतलब भी के ड्यूअल से यू के ड्यूअल में जाएगा। अब जरा समझिए कि यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर फंक्शनल जो डिफाइंड कर रहे हैं जी, वो भी में डिफाइंड हो रहा है, जी जो है वो भी में लीनियर फंक्शनल डिफाइंड हो रहा है, तो जी जो है वो भी से एफ में एक फंक्शन होगा, भी से, ये लीनियर फंक्शनल है ना, किस सेट में डिफाइंड हो रहा है, वेक्टर स्पेस भी में डिफाइंड हो रहा है, तो जी जो है वो भी से एफ में डिफाइंड होगा। भी में जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, भी, अगर यहाँ अल्फा लेते हैं तो यहाँ टी अल्फा है, तो यहाँ पर टी ऑफ अल्फा है, इसका इमेज क्या होगा, जी ऑफ टी ऑफ अल्फा होगा। आगे देखिए यहां पर मैं लिख रहा हूं यू से एफ में एक फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं जो लीनियर फंक्शनल है। देखिए
इस लीनियर फंक्शनल को टी स्टार जी लिख रहे हैं, टी स्टार ऑफ जी। क्यों, ये लीनियर फंक्शनल है या नहीं जरा चेक कीजिए, किसका मेंबर है ये तो यू स्टार का मेंबर है, यू स्टार का मेंबर है, इसका मतलब यू का लीनियर फंक्शनल होगा, यू में डिफाइंड होने वाला लीनियर फंक्शनल होगा, ये तो लीनियर फंक्शनल का कलेक्शन है ना। तो यहाँ एक लीनियर फंक्शनल है, ये भी एक लीनियर फंक्शनल के साथ एसोसिएट होगा, तो टी स्टार जी जो है वो लीनियर फंक्शनल है। लीनियर फंक्शनल है मतलब यू से एफ में डिफाइंड होगा टी स्टार जी। यू का जो एलिमेंट है वो क्या है, अल्फा, और अल्फा का इमेज क्या आएगा इस फंक्शन के द्वारा, ये पूरा एक फंक्शन है, लीनियर फंक्शनल है, इस फंक्शन के द्वारा टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो यहां पर टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा डिफाइंड ऐसे होगा इक्वल टू जी ऑफ टी अल्फा। ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा इक्वल टू जी ऑफ टी अल्फा। इस तरीके से अगर टी स्टार को डिफाइंड करें, टी स्टार को ऐसा डिफाइंड करते हैं कि टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा इक्वल टू जी ऑफ टी अल्फा, तो ये एक जरूर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है टी के करेस्पॉन्डिंग, और इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, या फिर एडजॉइंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी, इसी टी स्टार को कहते हैं, लेकिन ऐसे डिफाइंड करेंगे। ये देखिए, ये भी फील्ड का मेंबर है, जी ऑफ टी अल्फा भी फील्ड का मेंबर है यहाँ पर, या टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा जो है वो भी क्या है, फील्ड का मेंबर है। और टी स्टार जी जो है, टी स्टार ऑफ जी वो एक लीनियर फंक्शनल है जो किस में डिफाइंड हो रहा है, यू में, और जी जो है वो भी लीनियर फंक्शनल है, ये किस में डिफाइंड हो रहा है, भी में, भी में ये लीनियर फंक्शनल डिफाइंड हो रहा है। अल्फा क्या है, अल्फा यू का मेंबर है। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ डेफिनेशन में, जरा समझिएगा कि लेट यू एंड भी बी विक्टर स्पेसेज ओवर द फील्ड इफ, यू और भी दो विक्टर स्पेस है, दोनों सेम फील्ड एफ में है, फॉर ईच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू इन टू भी। अब टी जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू इन टू भी में, देखिए टी जो है वो यू से भी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो फॉर ईच लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, प्रत्येक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करिस्पॉन्डिंग देयर इज ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी स्टार फ्रॉम वी स्टार इन टू यू स्टार। अब टी के करिस्पॉन्डिंग टी स्टार मिलेगा कहाँ से, वी स्टार से यू स्टार में, टी स्टार जो मिलेगा वो वी स्टार से यू स्टार में मिलेगा, सच दैट ऐसा मिलेगा कि टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा इक्वल टू जी ऑफ टी अल्फा। इस तरीके से मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हूँ ना, इसी तरीके से मिलेगा। तो टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा इक्वल टू जी ऑफ टी अल्फा, प्रत्येक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी के करिस्पॉन्डिंग टी स्टार मिलेगा जो इस तरीके से डिफाइंड होगा। ये ओल्ड नोटेशन में हुआ, अगर न्यू नोटेशन में लिखना है तो जरा समझिए, ये एक लीनियर फंक्शनल है, टी स्टार जी जो है वो लीनियर फंक्शनल है, मैं बता रहा था कि टी स्टार जी जो है वो यू स्टार का मेंबर है, मतलब लीनियर फंक्शनल है, तो लीनियर फंक्शनल है और अल्फा में लगा रहे हैं, तो लीनियर फंक्शनल को कैसे लिखते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। टी स्टार ऑफ जी ये क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज है, टी स्टार तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, टी स्टार देखिए, टी स्टार जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर इमेज लिखना है, टी स्टार ऑफ जी को लिखना है, तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इसको न्यू नोटेशन में कैसे लिखेंगे, टी स्टार ऑफ जी को टी स्टार और ब्रैकेट हटा करके जी लिखेंगे। अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रहा तो ब्रैकेट हटा देते हैं, और लीनियर फंक्शनल रहा, ये पूरा लीनियर फंक्शनल है, तो लीनियर फंक्शनल रहा तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, एलिमेंट को पहले लिखते हैं और लीनियर फंक्शनल को बाद में लिखते हैं, तो ये न्यू नोटेशन में इसको लिख रहे हैं। और यहाँ पर देखिए टी अल्फा, टी अल्फा क्या हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज है, तो और जी क्या है, लीनियर फंक्शनल है, देखिए जी जो है वो लीनियर फंक्शनल है, और टी अल्फा क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का इमेज है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी अल्फा जो है उसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट हटा करके, और जी लीनियर फंक्शनल है तो लीनियर फंक्शनल को बाद में लिखेंगे, जी लीनियर फंक्शनल है तो इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, लीनियर फंक्शनल रहा तो इसको बाद में लिखेंगे, और जिस एलिमेंट में लगना है उस एलिमेंट को पहले लिखेंगे, तो ये एलिमेंट को शॉर्ट में टी अल्फा लिख सकते हैं क्योंकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये न्यू नोटेशन में हो गया, जहां पर फॉर एवरी जी इन वी स्टार, जी किसका मेंबर है, वी स्टार का मेंबर है, देखिए जी जो है वो वी स्टार का मेंबर है, एंड अल्फा इन यू, और अल्फा किसका मेंबर है, यू का। तो इस तरीके से हम लोग अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड करते हैं, जरूर मिलेगा टी के करिस्पॉन्डिंग टी स्टार मिलेगा जो इस तरीके से डिफाइंड होगा, तो देन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी स्टार इज कॉल्ड द एडजॉइंट और द ट्रांसपोज
और द डूअल ऑफ टी। इसी टी स्टार को क्या कहते हैं, एडज्वाइंट भी कहेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी का एडज्वाइंट ट्रांस भी कहेंगे, या फिर ट्रांसपोज ऑफ टी कहेंगे, या फिर डूअल ऑफ टी कहेंगे। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय टी, और यहाँ पर देखिए स्मॉल टी लिखा हुआ है। टी स्टार को यानी कि ट्रांसपोज ऑफ टी को कैसे डिनोट करते हैं, टी और ऊपर में भी टी लिखा हुआ है, या फिर टी डैश से। तो ट्रांसपोज का नोटेशन हो गया, अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है तो इस टी का अगर ट्रांसपोज लिखना है जिसको टी स्टार लिख रहे थे, तो टी स्टार नहीं लिख करके टी और स्मॉल टी लिख देंगे, या फिर ट्रांसपोज को टी और डैश से भी डिनोट करेंगे। तो इस तरीके से ये ट्रांसपोज को डिनोट किया जाता है। अगर कुछ डाउट है तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ इस ट्रांसपोज का, उस एग्जाम्पल से वो क्लियर हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल बताने के पहले एक लीनियर फंक्शनल की बात करता हूँ। सपोज कीजिए ये कोई एक वेक्टर स्पेस है u इक्वल टू आर थ्री है, और ये फील्ड है। फील्ड है मतलब यहाँ पर इसका फील्ड क्या है, अगर ये आर थ्री है तो इसका फील्ड एक सेट ऑफ रियल नंबर होता है। इसमें आर थ्री है, थ्री टपल्स होगा। अब कैसे हम लोग एक फंक्शन डिफाइंड करते हैं, इससे u वेक्टर स्पेस से इस फील्ड में डिफाइंड कर रहे हैं, क्या करेंगे, प्रत्येक थ्री टपल्स को उसके सेकेंड कंपोनेंट से एसोसिएट करेंगे। ये जो थ्री टपल्स है इसका सेकेंड कंपोनेंट y है, y के साथ एसोसिएट करते हैं। अब इस तरीके से अगर फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू वाई, तो ये चेक करते हैं कि ये लीनियर फंक्शनल आएगा या नहीं। सबसे पहले लीनियर फंक्शनल के लिए वेक्टर स्पेस से फील्ड में एक फंक्शन होना चाहिए। तो ये एक वेक्टर स्पेस है और ये जो है वो फील्ड का मेंबर हो गया। ये सिंगल एलिमेंट y है, y तो एक रियल नंबर आएगा, तो ये फील्ड का मेंबर हो गया। तो वेक्टर स्पेस से फील्ड में ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, और एसोसिएशन जो होना चाहिए वो यूनिक एलिमेंट के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर तो एक यूनिक एलिमेंट रहेगा ना सेकेंड कंपोनेंट, तो यूनिक एलिमेंट के साथ आएगा, तो ये एक फंक्शन हो गया। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा इक्वल टू a इंटू एफ ऑफ अल्फा प्लस b इंटू एफ ऑफ बीटा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, f जो है वो एक वेक्टर स्पेस u से फील्ड में अगर फंक्शन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट अल्फा लेते हैं, अल्फा एक्स वन वाई वन जेड वन, ये वेक्टर स्पेस का मेंबर है। दूसरा एलिमेंट बीटा लेते हैं, एक्स टू वाई टू और जेड टू, ये भी वेक्टर स्पेस यू का मेंबर हो गया। अब देखिए एफ ऑफ अल्फा जो मैं अभी डेफिनेशन बताया हूँ, उस डेफिनेशन से एफ ऑफ अल्फा बराबर क्या आएगा, इसका इमेज निकालना है तो सेकेंड कंपोनेंट के बराबर यानी कि वाई वन। एफ ऑफ बीटा किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ बीटा सेकेंड कंपोनेंट वाई टू के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा निकाल करके, तो यहाँ पर एफ ऑफ ए अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम लोग माने हुए हैं एक्स वन वाई वन जेड वन, और प्लस बी ऑफ बी इंटू बीटा, बीटा का वैल्यू एक्स टू वाई टू और जेड टू है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये किस तरीके से थ्री टपल्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है, वही काम हम लोग कर रहे हैं। ए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रत्येक के साथ, बी भी यहाँ पर प्रत्येक के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दोनों फिर ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, ए इंटू एक्स वन आएगा यहाँ पर, और फिर प्लस बी इंटू एक्स टू आएगा, मल्टीप्लाई और समीशन दोनों एक साथ कर रहे हैं। ए इंटू वाई वन आएगा यहाँ पर, बी इंटू वाई टू आएगा, फिर कॉमा तीसरा जो होगा कंपोनेंट वो ए इंटू जेड वन प्लस बी इंटू जेड टू। तो ये थ्री टपल्स हो गया, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड और ये थर्ड कंपोनेंट है। तो इस थ्री टपल्स का इमेज क्या होगा, कैसे डिफाइंड है, किसी भी थ्री टपल्स का इमेज निकालने के लिए सेकेंड कंपोनेंट के बराबर होता है। तो इसका इमेज हो जाएगा a इंटू वाई वन प्लस बी इंटू वाई टू, सेकेंड कंपोनेंट यही है। a रहने देते हैं, वाई वन का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ अल्फा, और b रहने देते हैं और वाई टू का मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ बीटा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, एफ ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए इंटू एफ ऑफ अल्फा प्लस बी इंटू बीटा। इसीलिए इस तरीके से जो फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं वो एक लीनियर फंक्शनल है वेक्टर स्पेस यू का। तो अगर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, अगर ये आर थ्री से
इफ में फील्ड में अगर फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं, अगर ये उस सेकेंड कंपोनेंट y के बराबर कर दिए तो लीनियर फंक्शनल आ गया। सिर्फ अगर हम लोग x के बराबर कर देंगे तो भी लीनियर फंक्शनल आ जाएगा। अगर सिर्फ z के बराबर कर देंगे तो भी लीनियर फंक्शनल आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ 2 × y कर देंगे तो भी चेक कर सकते हैं, ये भी एक लीनियर फंक्शनल आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पर हम लोग v लेते हैं, v इक्वल टू आर टू है। आर टू से अगर r में एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं g, तो R2 है मतलब सेकेंड टू टपल्स का ये सेट है, तो टू टपल्स का सेट है, इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं g ऑफ x कॉमा इक्वल टू अगर सिर्फ y कर दें, मान लीजिए y कर देते हैं तो ये भी एक लीनियर फंक्शनल हो जाएगा। किस वेक्टर स्पेस में, v में, तो ये लीनियर फंक्शनल होगा। g जो है वो लीनियर फंक्शनल होगा। अगर x के बराबर करते हैं तो भी लीनियर फंक्शनल होगा। तो मैं अभी जो एग्जाम्पल बताऊँगा उसमें ये दोनों लीनियर फंक्शनल का यूज करूँगा। तो चलिए उस एग्जाम्पल को अब देखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसपोज को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग एक यहाँ पर u एक वेक्टर स्पेस लेते हैं, वो R3 लेते हैं, और v एक वेक्टर स्पेस लेते हैं, वो R2 लेते हैं। टू टपल्स का सेट है, रियल नंबर में डिफाइंड है। और t एक ट्रांसपोज लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी t जो है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं यू टू वी। वी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड एज, इस तरीके से डिफाइंड करते हैं, डिफाइंड एज टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स माइनस जेड कॉमा वाई। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग एक वेक्टर स्पेस u लिए हैं, u मतलब R3, थ्री टपल्स का है ये, और भी एक दूसरा वेक्टर स्पेस लिए हुए हैं, ये R2 है। दोनों का सेम फील्ड होगा, आर होगा दोनों का फील्ड। अब यहाँ से यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं। किस तरीके से, एक्स वाई जेड अगर कोई भी थ्री टपल्स है यहाँ पर इसमें, तो इसका एसोसिएशन किसके साथ होगा, एक्स माइनस जेड वाई के साथ होगा, इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो अब क्या है यहाँ पर जो डेफिनेशन मैं बताए हो ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अनुसार भी स्टार से, भी स्टार यहाँ पर है, भी स्टार से यू स्टार में एक फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, एक यूनिक फंक्शन मिलना चाहिए, एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाना चाहिए टी स्टार। उसी टी स्टार को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। एक ही जरूर मिलता है, भी स्टार से यू स्टार में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जरूर मिल जाता है, और वो कैसा डिफाइंड होता है, टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा इक्वल टू डिफाइंड होता है जी ऑफ टी अल्फा, इस तरीके से डिफाइंड होता है। तो जरा समझिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर अल्फा मान लें तो टी अल्फा तो यहाँ पर आएगा। अगर अल्फा इसका कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं तो उसका टी इमेज जो है वो टी अल्फा इसका मेंबर होगा। भी स्टार में क्या होता है, भी स्टार में लीनियर फंक्शनल होता है, भी में जो डिफाइंड होने वाला जितना भी लीनियर फंक्शनल है वो यहाँ पर आएगा। यू स्टार में क्या होगा, यू स्टार में यू में डिफाइंड होने वाला सारा लीनियर फंक्शनल यहाँ पर आएगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, एक लीनियर फंक्शनल भी स्टार का लेते हैं और एक भी का लेते हैं लीनियर फंक्शनल, और एक लेते हैं यू का। देखिए लेट g ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू वाई एंड f x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू वाई बी लीनियर फंक्शनल। ये लीनियर फंक्शनल हो गया, मैं अभी बता चुका हूँ इस तरीके से डिफाइंड करते हैं तो ये लीनियर फंक्शनल होता है। लीनियर फंक्शनल डिफाइंड ऑन v एंड यू रिस्पेक्टिवली, ये सेकेंड टपल्स आने की भी में डिफाइंड हो रहा है और ये जो है वो यू में डिफाइंड हो रहा है। तो हम लोग एक लीनियर फंक्शनल लिए हुए हैं, ये जो है वो भी में डिफाइंड हो रहा है मतलब भी स्टार का मेंबर हो जाएगा, ये एफ जो लीनियर फंक्शनल है वो डिफाइंड हो रहा है यू में, तो ये एफ जो है वो यू स्टार का मेंबर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा निकालते हैं,
क्या मतलब हुआ इसका। अल्फा कोई भी इसी का मेंबर मान रहे हैं, अल्फा इसी को मान लीजिए, एक्स वाई जेड को अल्फा जो है वो कोई भी मेंबर ले रहे हैं हम लोग। तो टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा ये कैसे निकालेंगे? टी स्टार ऑफ जी का वैल्यू क्या है? हम लोग सपोज करते हैं कि जी जो है वो इसके साथ एसोसिएट हो रहा है, जी इसके साथ एसोसिएट हो रहा है, तो टी स्टार ऑफ जी मतलब एफ हो गया। यहाँ पर देखिए टी स्टार ऑफ जी इक्वल टू एफ हो गया। ये यहाँ पर अगर टी स्टार जी निकालें, जी का टी स्टार इमेज निकालें, ये तो फंक्शन होता है, तो जी का अगर हम लोग इस टी स्टार के अंडर में इसका इमेज निकालते हैं तो किसके बराबर आ रहा है? एफ के बराबर। तो टी स्टार जी इक्वल टू एफ हो गया। तो टी स्टार जी के जगह हम लोग एफ लिख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा रहने देते हैं और एफ रहने देते हैं। अल्फा किसको मान रहे हैं हम लोग? एक्स वाई जेड को मान रहे हैं, और एफ ऑफ एक्स वाई जेड बराबर क्या है यहाँ पर? वाई है। अब देखते हैं हम लोग ये निकालते हैं, जी ऑफ टी अल्फा निकालते हैं। तो जी रहने देते हैं, टी अल्फा का वैल्यू देखिए, टी अल्फा किसको मान रहे हैं हम लोग? एक्स वाई जेड को मान रहे हैं, और इसका इमेज क्या है? टी इमेज क्या है एक्स वाई जेड का? यहाँ पर हम लोग देखिए डिफाइंड किया, टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है? एक्स माइनस जेड वाई है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस जेड और वाई। अब इसका अगर हम लोग को जी इमेज निकालना है तो कैसे जी इमेज डिफाइंड किया गया? कोई भी टू टपल्स का जी इमेज निकालना है तो सेकेंड कंपोनेंट के बराबर है। तो यहाँ पर इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या हो गया? वाई हो गया। क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है? आप देख रहे हैं ये दोनों इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा इक्वल टू हो गया जी ऑफ टी ऑफ अल्फा आ गया। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया। क्या किया हम लोग? यू से भी में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन था टी, जिसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन किए थे। तो यहाँ पर एक लीनियर फंक्शनल लिए जी, यहाँ पर भी एक लीनियर फंक्शनल एफ लिए। देख रहे हैं जी और एफ जो है वो लीनियर फंक्शनल है, जिस तरीके से डिफाइन किया वो लीनियर फंक्शनल है। तो एक लीनियर फंक्शनल यहाँ पर मिला, एक लीनियर इसके करस्पॉन्डिंग एक लीनियर फंक्शनल यहाँ पर मिल रहा है। ऐसा मिल रहा है कि अगर हम लोग टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा अगर निकालें तो ये किसके बराबर है? जी ऑफ टी ऑफ अल्फा के बराबर आ रहा है। इस तरीके से डिफाइंड हो गया। टी स्टार एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन मिला जो जी को इसको इस एफ के साथ एसोसिएट कर दिया, एक लीनियर फंक्शनल को दूसरे लीनियर फंक्शनल के साथ एसोसिएट कर दिया, और वो इस तरीके से डिफाइंड हुआ। दोनों इक्वल है, टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा निकाले या जी ऑफ टी ऑफ अल्फा निकाले, दोनों इक्वल आ रहा है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को जो वी स्टार से यू स्टार में डिफाइंड हो रहा है वो एक यूनिक ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा प्रत्येक ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, या एडजॉइंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी, या फिर ड्यूअल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। इसी को इस तरीके से जो एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल जा रहा है। तो कुछ विशेष नहीं है, सिंपल सा चीज़ है कि अगर टी कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में, यू से भी में, तो वी स्टार से यू स्टार में एक यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा टी के करिस्पॉन्डिंग, जिसको टी स्टार कह रहे हैं, और वो डिफाइंड इस तरीके से होगा टी स्टार ऑफ जी ऑफ अल्फा इक्वल टू जी ऑफ टी अल्फा। तो अगर इस तरीके से डिफाइंड होने वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी। अब जरा देखिए कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ हो तो ये कैसे डिफाइंड करेंगे, टी स्टार हम लोग कैसे निकालेंगे, टी स्टार जो है वो यहाँ पर किस तरीके से डिफाइंड करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल, इसी एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ ताकि उसका एक रूल मैं बना लूँगा और उस रूल के द्वारा फिर किसी सवाल को हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिफाइंड किए हैं टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स माइनस जेड कॉमा वाई, इसी ट्रांसफॉर्मेशन का हम लोग मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में इसको अगर रिप्रेजेंट करें टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स माइनस जेड वाई, और मैट्रिक्स जो होता है वो किसी बेसिस के रिस्पेक्ट में होता है। तो लेट बेसिस ऑफ u इक्वल टू b मानते हैं, और b
यहाँ पर अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अल्फ़ा थ्री लिखते हैं। जहाँ पर अल्फ़ा वन क्या है, अल्फ़ा वन जो है वो 100, अल्फ़ा टू इक्वल टू है 010, स्टैंडर्ड बेसिस जो होता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, अल्फ़ा थ्री 001। एक्चुअली यू है क्या, यू तो आर थ्री हो गया, थ्री टपल्स हो गया, तो थ्री टपल्स का ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है। एंड बेसिस ऑफ भी इक्वल टू B1 लिख रहे हैं। B1 मतलब इसका बेसिस, ये टू टपल्स वाला वेक्टर स्पेस का बेसिस, तो टू टपल्स वाला का वेक्टर स्पेस का बेसिस मान लेते हैं β1 और β2 है। तो β1 क्या है, β1 जो है यहाँ पर वेयर, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ वेयर β1 इक्वल टू हो जाएगा 10 और β2 इक्वल टू हो जाएगा 01। ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है टू टपल्स वाला वेक्टर स्पेस का। तो अगर इसका हम लोग मैट्रिक्स लिखें टी का बी और B1 के रिलेटिव में, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड B1 कैसे लिखा जाता है, एक शॉर्टकट तरीका होता है, मैं उसी से लिख रहा हूँ। देखिए शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है तो इसको आप कंप्लीट लिखिए XYZ तीनों में आकर के। जैसे यहाँ x है, y नहीं है, तो 0 × y लिख सकते हैं और 1 × x लिख सकते हैं और प्लस -1 × z लिख सकते हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट है सिर्फ y है, तो 0 × x प्लस 1 × y प्लस 0 × z लिख सकते हैं। ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ y बच जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। उस मैट्रिक्स में फर्स्ट कंपोनेंट जो आया उसका कोएफिशिएंट लिखते हैं 1 0 -1 और सेकेंड रो में हम लोग क्या करते हैं, जो सेकेंड कंपोनेंट आया उसका कोएफिशिएंट लिखते हैं 0 1 0। ये जो मैट्रिक्स बना 2×3 ऑर्डर का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टी रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस B एंड B1। लेकिन ये जो तरीका होता है लिखने का, ये तरीका तभी अप्लाई करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका है, ये तभी अप्लाई करेंगे जब स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में निकालना हो मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। दूसरी चीज, ये m टपल्स से n टपल्स में वेक्टर स्पेस हो, कोई दूसरा वेक्टर स्पेस नहीं हो, m टपल्स से n टपल्स में अगर दो वेक्टर स्पेस जो ले रहे हैं वो m टपल्स का एक वेक्टर स्पेस और दूसरा n टपल्स का वेक्टर स्पेस, और वहाँ पर अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तब, तो यहाँ पर है ये थ्री टपल्स से टू टपल्स में डिफाइंड हो रहा है, तो थ्री टपल्स से टू टपल्स में डिफाइंड हो रहा है, तो 2×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है, याद कीजिए। अगर यहाँ पर V3 है, V3 से, या इसको R3 लिखते हैं, R3 से अगर R2 में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T, तो 2×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनता है यहाँ पर। अब चलिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी स्टार जो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, इस तरीके से जो डिफाइन किए थे अभी टी स्टार, अब टी स्टार का मैट्रिक्स निकालेंगे कि टी स्टार का क्या मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले टी स्टार जो डिफाइंड है वो वी स्टार से यू स्टार में डिफाइंड है, तो इसका बेसिस और इसका बेसिस निकालना पड़ेगा, ऑर्डर्ड बेसिस। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले यू स्टार का बेसिस मानते हैं। यहाँ पर देखिए, लेट बी स्टार इक्वल टू, यहाँ पर मानते हैं F1, F2, F3। देखिए U का जो बेसिस है, U का बेसिस में कितना एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो U स्टार का भी बेसिस में 3 एलिमेंट होगा, दोनों का डायमेंशन तो सेम होता है, U का डायमेंशन और U स्टार का डायमेंशन सेम होगा, तो U में 3 एलिमेंट है ऑर्डर्ड बेसिस में, तो U स्टार में भी 3 एलिमेंट होगा U स्टार का बेसिस में। तो U स्टार का जो बेसिस है मान लेते हैं F1, F2, F3, 3 एलिमेंट है, ये लीनियर फंक्शनल होगा ना, इसका जो बेसिस निकालेंगे वो बेसिस लीनियर फंक्शनल का एक कलेक्शन होगा। तो F1, F2, F3 ये बेसिस हो गया किसका, बेसिस ऑफ U स्टार। इसी तरीके से B1 स्टार मान लेते हैं यहाँ पर G1, G2, ये किसका बेसिस है, बेसिस ऑफ V स्टार, ये V स्टार का बेसिस हो गया, ये यहाँ पर जो V स्टार है उसका ये बेसिस है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बेसिस कैसे डिफाइंड होता है,
एफ वन ऑफ अल्फा वन, यहाँ पर जो बेसिस है एफ वन ऑफ अल्फा वन का वैल्यू जीरो आ जाएगा, सॉरी वन आ जाएगा अगर दोनों सेम रहे। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री क्या है, ये बेसिस है यू स्टार का, और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री ये जो कलेक्शन आ रहा है ये बेसिस है यू का। तो डिफाइंड कैसे होता है, इस तरीके से एफ वन अल्फा वन का वैल्यू वन होता है, क्रॉनिकल डेल्टा से डिफाइंड होता है। फिर एफ वन एफ टू अल्फा वन, एफ टू अल्फा वन का वैल्यू जीरो हो जाता है, दोनों अगर अनइक्वल रहे तो जीरो। फिर एफ थ्री ऑफ अल्फा वन, इसका वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। अब हम लोग देखिए, मान लेते हैं कि लेट एक्स वाई जेड कोई भी यू का मेंबर है, यू मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ यू जो है उसका कोई भी एक एलिमेंट एक्स वाई जेड ले रहे हैं, इसका बेसिस क्या है, इसका यू का बेसिस ये है। तो U का कोई भी एलिमेंट अगर लेते हैं तो इसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री के लीनियर कॉम्बिनेशन में आएगा। तो एक्स वाई जेड अगर U का मेंबर मानते हैं तो इस एक्स वाई जेड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देन देखिए एक्स वाई जेड को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इंटू वन जीरो जीरो प्लस वाई इंटू जीरो वन जीरो प्लस जेड इंटू जीरो जीरो वन। ये एक्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वाई इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड जो है वो किसके बराबर आ गया, एक्स, और इसको अल्फा वन माने थे, वाई रहने देते हैं इसको अल्फा टू माने थे, और जेड यहाँ रहने देते हैं इसको अल्फा थ्री माने थे। तो ये दोनों इक्वल है। अब इसका एफ वन इमेज और इसका एफ वन इमेज भी इक्वल होगा। तो देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब तो f1 of x, y, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, f1 of x अल्फा 1 प्लस y अल्फा 2 प्लस z अल्फा 3। अगर f1 of x, y, z निकाले तो x, y, z का वैल्यू हम लोग ये ला चुके हैं, अभी देखिए x, y, z का वैल्यू x अल्फा 1 प्लस y अल्फा 2 प्लस z अल्फा 3 है, तो x, y, z का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। अब चूंकि ये लीनियर फंक्शनल है तो स्केलर बाहर हो जाएगा f1 of अल्फा 1, फिर y स्केलर बाहर हो जाएगा f1 ऑफ अल्फा 2, फिर z स्केलर बाहर हो जाएगा f1 ऑफ अल्फा 3। और ये कैसे डिफाइंड किया गया है, f1 ऑफ अल्फा 1 का वैल्यू 1, फिर f1 ऑफ अल्फा 2 का वैल्यू अभी हम लोग लिखे हैं 0, और f1 ऑफ अल्फा 3 का वैल्यू 0। तो ये सिर्फ किसके बराबर आ गया, x। तो ये डिफाइंड हो गया f1 ऑफ x y z इक्वल टू x आ गया। सिमिलरली आप देख सकते हैं अगर f2 of x, y, z निकाले तो ये y आएगा, और f3 of x, y, z निकाले तो ये आएगा z आएगा, आप चेक करके देख सकते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं, लेट x, y या p, q कर देते हैं, p, q बिलोंग्स टू v, p, q जो है वो v का मेंबर है, यहाँ पर भी का कोई भी, ये टू टपल्स का है तो भी का कोई भी मेंबर हम लोग मान लिए हैं पी क्यू। अब जरा समझिए, भी का ऑर्डर्ड बेसिस ये, भी का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं भी को, ये पी क्यू को, पी कॉमा क्यू को ऐसा लिख सकते हैं, पी इंटू वन जीरो प्लस जी क्यू इंटू जीरो वन। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये मल्टीप्लाई कीजिएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, चेक कर लीजिए ये आ जाएगा। तो दैट इज पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, पी और ये बीटा वन था, और क्यू इसको हम लोग माने थे बीटा टू। तो जी ऑफ पी क्यू अगर निकालें, जी ऑफ पी क्यू, तो जी ऑफ यहाँ पर पी रहने देते हैं बीटा वन प्लस क्यू रहने देते हैं बीटा टू, जी रहने दिए सॉरी पी को बाहर कर देते हैं हम लोग, और जी बीटा वन यहाँ पर सॉरी यहाँ जी वन कर देते हैं, जी वन निकाल रहे हैं, जी वन इन ऑफ बीटा वन प्लस क्यू रहने देते हैं जी ऑफ बीटा टू। तो जी वन बीटा वन का वैल्यू इसी तरीके से वन आ जाएगा, दोनों अगर सेम रहे तो वन, और यहाँ अगर अनइक्वल है तो जीरो। तो ये वन और ये जीरो, तो सिर्फ क्या बच रहा है पी। इसी तरीके से जी वन पी क्यू बराबर पी आया तो G2 PQ बराबर क्या हो जाएगा, Q। अब चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग इस T स्टार का निकालेंगे मैट्रिक्स, कि T स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स क्या होगा। ये T ट्रांसफॉर्मेशन का ये मैट्रिक्स निकला है, इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग A मान लें, तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पर इसको मिटाऊंगा,
तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टी जो है वो टी का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस बी एंड बी वन, ये क्या आया है 1 0 -1 0 1 0 आया है। अब हम लोग टी स्टार का मैट्रिक्स निकाल रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं इसके लिए याद कीजिए, मैट्रिक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू अल्फ़ा थ्री बेसिज है तो हम लोग क्या निकालेंगे, टी ऑफ अल्फ़ा वन का भी वैल्यू निकालेंगे, टी ऑफ अल्फ़ा टू का भी वैल्यू निकालेंगे, टी ऑफ अल्फ़ा थ्री का भी वैल्यू निकालते हैं। ये एक वेक्टर स्पेस यू, यहाँ पर यू से अगर वी में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी, यू का ये बेसिज है, वी का अगर बेसिज बीटा वन बीटा टू है, तो अब इसको क्या करते हैं, टी ऑफ अल्फ़ा वन का वैल्यू बीटा वन बीटा टू के लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं, इसका टी ऑफ अल्फ़ा टू का भी वैल्यू इसके लीनियर कम्बिनेशन में, टी ऑफ अल्फ़ा थ्री का भी वैल्यू इसके लीनियर कम्बिनेशन में, और लीनियर कम्बिनेशन का जो कोएफिशिएंट आता है उससे मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये टी स्टार का हम लोग मैट्रिक्स निकालना चाह रहे हैं, तो वी स्टार का जो ऑर्डर्ड बेसिज है जी वन जी टू इसका ऑर्डर्ड बेसिज माने थे, तो जी वन टी स्टार जी वन का भी वैल्यू निकालेंगे, टी स्टार ऑफ जी टू का भी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूँ, टी स्टार ऑफ जी वन ऑफ यहाँ पर कोई भी एलिमेंट हम लोग एक्स वाई जेड ले लेते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, टी स्टार ऑफ जी वन कैसे डिफाइंड किया गया, ये हो जाता है जी वन ऑफ टी ऑफ एक्स वाई जेड इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, और जी वन यहाँ पर रहने देते हैं एक्स वाई जेड, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हम लोग डिफाइंड किए थे, मैं तो मिटा चुका हूँ, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्स माइनस जेड और वाई था। अब जी वन ऑफ एक्स माइनस जेड वाई के बराबर क्या है, देखिए जी वन बराबर क्या है, जी वन पी क्यू, किसी भी पी क्यू टू टपल्स का अगर जी वन निकालना है तो जी वन का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, पी के बराबर आ रहा है, फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर आ रहा है, तो जी वन ऑफ एक्स माइनस जेड वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस जेड आ जाएगा। अब ये एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ वन ऑफ एक्स वाई जेड, देखिए एफ वन ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू एक्स ही है, यहाँ पर मैं निकाल करके रखा हूँ, एफ वन ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू एक्स है और एफ थ्री ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू जेड है, तो यहाँ पर इस जेड को हम लोग लिख सकते हैं एफ थ्री ऑफ एक्स वाई जेड, दोनों से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं एफ वन माइनस एफ थ्री ऑफ एक्स वाई जेड। अब ये दोनों साइड से एक्स वाई जेड अगर हटा दें तो टी स्टार ऑफ जी वन बराबर क्या आ गया, एफ वन माइनस एफ थ्री, जी वन का जो इमेज आएगा यहाँ पर जी वन जो होगा, जी वन का टी स्टार इमेज जो आएगा वो किसके बराबर आ गया, एफ वन माइनस एफ थ्री। तो इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख लीजिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं वन इंटू एफ वन प्लस जीरो इंटू एफ टू, एफ टू नहीं है तो जीरो इंटू एफ टू प्लस माइनस वन इंटू एफ थ्री। अब फिर हम लोग निकालते हैं टी स्टार ऑफ जी टू, इसी तरीके से टी स्टार ऑफ जी टू ऑफ एक्स वाई जेड, ये कैसे निकालेंगे, डिफिनेशन से जी टू ऑफ टी ऑफ एक्स वाई जेड हो जाएगा, और टी ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग को पता है, टी ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू है एक्स माइनस जेड और वाई, इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे थे। और जी टू ऑफ एक्स माइनस जेड वाई का वैल्यू कितना होगा, देखिए यहाँ पर डिफाइन किए हैं जी टू ऑफ पी क्यू इक्वल टू क्यू, टू टपल्स में अगर जी टू इमेज लगा जी टू फंक्शन लगाते हैं तो वो सेकेंड कंपोनेंट के बराबर होता है, तो यहाँ पर जी टू ऑफ एक्स माइनस जेड वाई बराबर वाई हो जाएगा, और इस वाई को हम लोग लिख सकते हैं एफ टू ऑफ एक्स वाई जेड, देखिए एफ टू ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू वाई है, यहाँ पर चेक कीजिए एफ टू ऑफ एक्स वाई जेड का वैल्यू वाई है, तो ये वाई को एफ टू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड दोनों साइड से हटा देते हैं तो टी स्टार ऑफ जी टू बराबर क्या आ गया एफ टू, और इस एफ टू को हम लोग लिख सकते हैं जीरो इंटू एफ वन प्लस वन इंटू एफ टू प्लस जीरो इंटू एफ थ्री। तो क्या हम लोग कर लिए, जी वन का जो टी स्टार का इमेज होगा, जी वन का इमेज टी स्टार इमेज जो होगा उसको हम लोग एफ वन एफ टू एफ थ्री के लीनियर कम्बिनेशन में ले आए, जी टू का जो टी स्टार इमेज होगा उसको भी एफ वन एफ टू एफ थ्री के लीनियर कम्बिनेशन में ले आए। तो मैट्रिक्स लिखने के लिए क्या करते हैं, इसका जो ऑर्डर्ड बेसिस है, इसका ऑर्डर्ड बेसिस जी वन और जी टू है,
इसको हम लोग लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे इसके ऑर्डर बेसिस, इसका F1 F2 F3 है ऑर्डर बेसिस, तो इसका ऑर्डर बेसिस को, इसका जो इमेज आएगा G1 का जो इमेज आएगा T*G1, G2 का जो इमेज आएगा T*G2, उसको इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे। तो वही काम कर दिए, G1 का भी T* इमेज जो आ रहा है F1 F2 F3 के लीनियर कम्बिनेशन में, G2 का जो T* का इमेज आ रहा है उसको भी लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिए। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर T* का मैट्रिक्स निकालें, इस ट्रांसपोज का मैट्रिक्स निकालें रिलेटिव टू ऑर्डर्ड बेसिस B1*B*, इसका ऑर्डर बेसिस को हम लोग क्या माने हैं, देखिए ये B** का जो ऑर्डर बेसिस है, मैं तो शायद मिटा दिया हूँ, इसका जो ऑर्डर बेसिस था यही था, इसको हम लोग B1* माने थे, और इसका ऑर्डर बेसिस ये था, तो ये माने थे B*, माने थे। तो इसका हम लोग मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, ये ऑर्डर्ड बेसिस और ये ऑर्डर्ड बेसिस के रिलेशन में, रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। अब देखिए G1 का लीनियर कम्बिनेशन हम लोग इस तरीके से लिखे हैं, तो इसको कॉलम बनाएंगे 1, 0, -1। G2 का जो लीनियर कम्बिनेशन को फॉर्म में एक्सप्रेस किए हैं, इसके कोएफिशिएंट से कॉलम बनाएंगे 0, 1, 0। याद कीजिए मैट्रिक्स इसी तरीके से लिखते हैं। तो ये जो मैट्रिक्स बना वो T* का मैट्रिक्स हो गया, T* ट्रांसपोज का ये मैट्रिक्स हो गया, और ये जो मैट्रिक्स बना है वो T* का निकला है। तो T का हम लोग निकाल लिए मैट्रिक्स, T* का भी निकाल लिए। अब दोनों के बीच रिलेशन क्या है जरा समझिए। इसको अगर हम लोग C मान लें, C कर देते हैं इसको, और T* का निकला हुआ था, T का निकला हुआ था रिलेटिव टू B1। तो ये क्या निकला हुआ था, अभी मैं लिखा था यहाँ पर, तो ये निकला हुआ था 1, 0, 0, 1, -1, 0, यही था। इसको अगर A मान लें, तो देखिए C जो आ रहा है वो A' के बराबर होगा, इसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। याद कीजिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने के लिए जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम में बदल देते हैं, सेकेंड रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो क्या यही आ गया 1, 0, 0, 1 और -1, 0। तो इसी का ट्रांसपोज करने पर ये आ जाता है, तो एक रिजल्ट हो गया C=A'। एक रिजल्ट क्या हो गया जरा समझिएगा, अगर कोई भी T ट्रांसफॉर्मेशन है U वेक्टर स्पेस से V वेक्टर स्पेस में, T' उसका ट्रांसपोज है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसपोज है। तो इसका अगर मैट्रिक्स A आ रहा है तो इसका मैट्रिक्स क्या आएगा, A' आ जाएगा। जा समझिएगा T* क्या है, ये ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T। सपोज करते हैं T* जो है वो ट्रांसपोज है, तो इसका जो मैट्रिक्स आएगा, मैट्रिक्स ऑफ T* किसके बराबर आएगा, मैट्रिक्स ऑफ T का ट्रांसपोज हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ T का ट्रांसपोज हो जाएगा। देख रहे हैं T* का जो मैट्रिक्स निकाले हैं वो T का जो मैट्रिक्स आया था उसी का ट्रांसपोज हो गया। तो एक रिजल्ट हो गया कि अगर T* का हम लोग को मैट्रिक्स निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, T का मैट्रिक्स निकाल लेंगे और T का मैट्रिक्स जो भी निकलेगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो T* का मैट्रिक्स निकल जाएगा, यानी ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो एक रिजल्ट हो गया, मैं यहाँ पर इसको एक बार लिख दे रहा हूँ, C=A'। देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ T* इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ T, ये एक रिजल्ट हो गया। और ऑर्डर्ड बेसिस यहाँ अंडरस्टूड है, किस ऑर्डर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में निकालना है मैट्रिक्स वो अंडरस्टूड है। तो T* का अगर मैट्रिक्स निकालना है तो T का मैट्रिक्स निकाल करके उसका हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इससे कुछ क्वेश्चन बनता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में बस यहीं तक, मैं आज जो भी बताया हूँ वो सबसे पहले तो ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया हूँ, और
फिर ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं एग्जांपल के साथ समझाया हूँ। अब इसका जो क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।